वेलकम टू लॉन्ग टर्म शेयर्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल में नए, देखिए यहाँ पर सब्सक्राइब का लाल बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज एक ज़बरदस्त स्टॉक है और कंपनी है, आप सभी परिचित हैं उससे। और चलिए हम वेबसाइट पर उसकी विजिट कर लेते हैं एक नज़र। इमामी लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लीडिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग पर्सनल एंड हेल्थ केयर बिजनेसेस इन इंडिया विद एन Inviable portfolio of household brand names such as Boro Plus, Navratna, ठंडा ठंडा कूल कूल, आपने सुना होगा अमित जी का एड, Fair and Handsome, शाहरुख खान साहब इसकी ब्रांडिंग करते हैं, झंडू बाम, मेंथो प्लस प्लस बाम, फास्ट रिलीफ एंड कैश किंग। इस्टैब्लिश्ड इन 1974 वी हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ ओवर 300 प्रोडक्ट्स, मतलब 300 प्रोडक्ट्स के ज़्यादा हैं, बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। अवर करंट ऑपरेशंस कंप्राइज मोर देन 60 कंट्रीज, मतलब 60 देशों में, इंक्लूडिंग GCC, यूरोप, अफ्रीका, CIS कंट्रीज एंड द SAARC देश, जो एशिया के सारे कंट्रीज हैं, SAARC कंट्रीज। ओवर 121 इमामी प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एवरी सेकेंड समवेयर अराउंड द वर्ल्ड। इमामी लिमिटेड द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द ग्रुप रिकॉर्डेड अ टर्न ओवर ऑफ ₹2541 करोड़ इन 2017 and 18। इमामी acquired the heritage brand Chandu in 2008 on the basis of huge businesses synergy between the two brand portfolios। तो अभी आपने इनके प्रोडक्ट्स सब परिचित हो गए होंगे, इमामी नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ज़बरदस्त इनकी प्रोडक्ट्स हैं। और एक झलक आपको मैं ब्रांड पे भी दिखा देता हूँ, बोरो प्लस, नवरत्ना, झंडू बाम, फेयर एंड हैंडसम, इमामी, मेंथॉल प्लस, फास्ट रिलीफ, सोना चांदी, च्यवनप्राश, झंडू केसरी जीवन, इमामी वोस्केयर, झंडू, इमामी ऑयल्स, केश किंग, डायमंड शाइन और बढ़िया बढ़िया यहाँ पे नेचुरली फेयर। चलिए हम देख लेते हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने यहाँ पे पूछा था और कई लोगों ने पूछा, इसलिए फिर मुझे, हमने कहा चलिए इस पे बना देते हैं। सर इमामी कैसा रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? फिर हमने रिप्लाई किया था कि जल्द बनाते हैं। तो फिलहाल हम बताते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है इस समय। इमामी लिमिटेड, आज 15 अप्रैल है, 12:50 पे सोमवार का दिन है, मार्केट खुली और ₹398 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो जो इसने बनाया था ₹336 और हाई था 600, तो अभी हाई से तो काफ़ी नीचे है, अपने एक साल के ये हाई से काफ़ी नीचे। और देखिए सेंटीमेंट में लोग कह रहे हैं मीटर में कि 100% बाइंग, सभी लोग कह रहे हैं खरीद लो खरीद लो खरीद लो, तो बिल्कुल हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मार्केट कैप जो है कंसोलिडेटेड हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे मार्केट कैप है इसकी 18,041 करोड़ की और अर्निंग पर शेयर है ₹6.77 की, 6.77 की, जो कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कम लग रहा है जिस हिसाब से इसका प्राइस प्रीमियम है, अर्निंग थोड़ी सी यहाँ पे कम लग रही है। एनीवेज आगे देखेंगे, पी है इसकी 58.71, बुक वैल्यू है 45.42, प्राइस टू बुक है 8.75 और इंडस्ट्री पी है 67.88। तो पी थोड़ा सा ठीक है, इंडस्ट्री पी से तो कमी है और पी ऑब्वियसली FMCG की जितनी कंपनी होती थोड़ी सी और डिफरेंट उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ज़्यादा ही रहती है। फेस वैल्यू एक की है, डिलीवरेबल है 51%, डिलीवरी भी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे हम बैलेंस शीट पे हैं तो कर्जा मामूली सा कर्ज़ा है 325 करोड़ का, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी का इतना छोटा कर्जा चलता है, अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। अब हम सीधे पहले चलते हैं कि किस क्वालिटी कंपनी है, तो गुड क्वालिटी कंपनी है, मैनेजमेंट रिस्क ग्रोथ और कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये गुड क्वालिटी कंपनी। सेल्स ग्रोथ देखिए 7.90% की, सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी मुझे कम लग रही है, कम है ऑब्वियसली। EBIT ग्रोथ 1.42% की है, ये भी कम है। और वैल्यूएशन में अभी वेरी एक्सपेंसिव दिखा रहा है, ऑब्वियसली दिखाएगा। पी रेशियो देख चुके, ROC देखिए 20.38 का है, ROE 16.69 का है, बहुत अट्रैक्टिव ROC या ROE इसका नहीं है अभी फ़िलहाल वर्तमान जो स्थिति है। और फाइनेंशियल ट्रेंड भी देखिए फ्लैट है अभी और स्कोर है 1। अब रिटर्न्स देख लेते हैं, उस हिसाब से रिटर्न्स भी होंगे। 10 सालों में 982% की रिटर्न्स है, जो कि नो डाउट 10 सालों में इसने करीब आपके पैसे को 10 गुना कर दिया है और बेहतरीन है, लेकिन 5 सालों में 70% है
और 4 सालों में तो लगातार, फिर 3 सालों में, देखिए 4 सालों में 25% का नेगेटिव है। अगर मतलब 4 साल पहले आपने 1 लाख डाले तो आपका 75,000 रुपये के आसपास रह गया, 3 सालों में 18% का नेगेटिव है, 2 साल में 22% का, एक साल में चलो मानते हैं कि चलो 1-1.5 साल से थोड़ा सा दबाव पड़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं टूटना चाहिए कि लगातार नेगेटिव में रिटर्न आए। 1 साल में 28%, ईयर टिल डेट में भी 4%, 6 मंथ में भी 10% का, और 3 महीने में भी 9%, 9.5% करीब नेगेटिव रिटर्न, 1 मंथ में 1.47% की यहाँ पे थोड़ी सी रिटर्न अपसाइड के हैं, और 1 वीक और 1 डे में भी थोड़ी थोड़ी नेगेटिव में। तो अभी रिटर्न ज़बरदस्त नहीं है, बहुत ही अच्छे नहीं रहे। और फाइनेंशियल में देख रहे, 17 दिसंबर से December 2018 के जो नेट सेल्स में यहाँ पे 7.15% की अपसाइड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 0.74% की अपसाइड है, और इंटरेस्ट भी कम है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है यहाँ पे नेगेटिव में 6.41% की, और मार्जिन भी देखिए 2% के आसपास नेगेटिव में है। और ये सब क्यों है, कर्ज़ा भी ज़्यादा नहीं है, आइए हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग में। अब देखिए शेयर होल्डिंग जो December 2018 में थी, और जो 72.74% की, इन्होंने 10% घट गई है, और प्रमोटर्स की होल्डिंग जो रह गई है March 2019 में 62.74% की। तो एक तो यहाँ पे इन्होंने जो है स्टेक अपना कम किया प्रमोटर्स ने, और दूसरी बड़ी जो इसमें कमी एक मुझे ये दिख रही कि प्लेस्ड प्रमोटर्स होल्डिंग है करीब 47.66% की इन्होंने गिरवी रखे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब सदमे वाली बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि इसको अच्छा नहीं मानता। एक तो आपने होल्डिंग कम की जो कि ज़बरदस्त पहले थी, और उसमें भी आपको करीब 50% के आसपास आपने गिरवी रख दिया है, तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है। और म्यूचुअल फंड्स 17 स्कीम्स में पैसे लगा रखे हैं, FIIs 142 हैं, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर SBI कंजप्शन अपॉर्चुनिटीज फंड है, इंडिविजुअल्स बहुत कम है, 4.4% के आसपास है। चलिए खुदरा ग्राहक थोड़े समझदार हैं। और ज़बरदस्त देखिए जो इन्होंने डिविडेंड देती है, 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से दिया था 18 में डिविडेंड देती है, और डिविडेंड तो काफ़ी अच्छा है, 7 रुपये का अट्रैक्टिव है। FMCG इमामी है, ग्रुप है, हाउस है, और 1995 से काम कर रही है, और अपनी इंडस्ट्री में 12वें नंबर पे है। तो मुझे दोस्त जिसने पूछा है मुझसे, एंड सर्कल साहब, तो अभी मैं फ़िलहाल इस पे यही अपना स्टैंड क्लियर कर पाऊँगा कि जिस हिसाब से अभी मुझे इस कंपनी में वो जान नहीं दिख रही है, और क्यों नहीं दिख रही है, एक तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है और गिरवी भी रख दिया है, और अभी उस हिसाब से इनके रिजल्ट्स भी नहीं, ROE या ROC उतना ज़बरदस्त नहीं, EPS भी उतना ख़ास नहीं था, लेकिन FMCG कंपनी है, इसे अच्छा करना चाहिए, तो हो सकता है भविष्य में अच्छा करे। पर अभी मैं अपना ओपिनियन या अपनी अपना मंतव्य, अपना मशवरा या अपना अप्रूवल ऐसा मैं नहीं कह सकता कि आप ख़रीदिए, या मैं स्वयं अभी इसमें पैसा नहीं डालूंगा। बाकी आपकी अपनी इच्छा, आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो कहें उस पर अमल करिएगा। मैंने तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी, और मैं इन्फॉर्मेशन में ये बता रहा हूँ, कंक्लूज़न ये है कि अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो FMCG में अभी और कई भी कंपनियां हैं जो अट्रैक्टिव हैं, चाहे वो ITC ले लीजिए, ITC ज़रूर भाग नहीं रहा रिटर्न अच्छा, लेकिन वो आपको नेगेटिव में रिटर्न नहीं है। आप जितने भी देखेंगे, मैंने ITC का वीडियो भी बनाया, आप चाहे तो वीडियोस सेक्शन में जाके देख सकते हैं, थंबनेल में ITC लिखा हुआ है। तो ऐसे ब्रिटानिया इंडस्ट्री हो गई, तो इन सब के रिटर्न भी ज़बरदस्त हैं। तो आप चाहें तो कुछ अच्छे स्टॉक्स में पैसे डालें बजाय इनके, क्योंकि अभी इसमें फ़िलहाल वर्तमान समय में इनमें बेहतरीन स्थिति नहीं है। बाकी कंपनी नो डाउट गुड क्वालिटी की, अच्छी कंपनी, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो जब कभी फ्यूचर में ये कंपनी ज़बरदस्त अपने इनके फंडामेंटल्स और इनके रिटर्न्स और ये सब फाइनेंशियल रिजल्ट्स और इनकी सेल नेट सेल्स बढ़ने लगेगी, अच्छा प्रॉफिट में आने लगेगी, तो उस समय फिर देखा जाएगा। फिलहाल हम वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और एक डिस्क्लेमर फिर से हम देते हैं कि ये एक एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो है, और कुछ भी आप खरीदे या बेचे स्टॉक्स के, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर या खुद की अपनी रिसर्च ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।